हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग राशि एंड साची क्रिएशंस। पिछले वीडियो में हमने मार्स को देखा था और आज हम जुपिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है जुपिटर यानी गुरु यानी बृहस्पति, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है और हमारी अर्थ से तो बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा कि 1300 पृथ्वी मिला दो तब जाकर एक जुपिटर बनेगा। जुपिटर इज अप्रोक्स 772.5 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम द सन, यानी 77 करोड़ 25 लाख किलोमीटर दूर। जैसे हमारी अर्थ को सन के अराउंड चक्कर लगाने में 1 साल लगता है, वैसे ही जुपिटर को हमारे यहाँ के 12 साल लगते हैं। मतलब जुपिटर का 1 साल पृथ्वी के 12 साल के बराबर है। इट टेक्स 10 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी जुपिटर का 1 दिन 10 घंटे के बराबर होता है। एज वी नो अर्थ हैज 1 मून बट जुपिटर हैज 79 मून्स। जी हाँ, जुपिटर के 79 मून्स हैं। मान लीजिए कि आप जुपिटर पे हैं और रात को आप आसमान में देखते हैं तो आपको हर तरफ चांद ही चांद दिखेंगे, तो कैसा अद्भुत होगा वो नजारा। बट जुपिटर इज अ गैसियस प्लैनेट, इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मतलब अगर आप वहाँ लैंड करोगे तो आप अंदर जमीन में धंस जाओगे, आपको कोई सख्त जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर खड़े रहने के लिए। आसमान में सन, मून और विनस के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला जुपिटर ही है। वैज्ञानिकों ने जुपिटर पर अब तक 8 स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। जैसा कि हमने कहा, जुपिटर गैसियस प्लैनेट है इसलिए वहाँ रहना पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स ऑल अबाउट जुपिटर। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम जल्दी मिलेंगे। ओके, बाय।